देखिए, इस समय मैं आया हूँ, यह ग्राम छिटाहा है, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ युवा कृषक हैं श्री हरदीप सिंह जी, और इनके विगत वर्षों में भी काफ़ी क्लिप दिखाते रहे हैं आपको, अच्छी खेती करते हैं। और देखिए, ये क्योंकि शरदकालीन गन्ना है और पर्याप्त दूरी पर बोया हुआ है, और ये 2-3 साल पुरानी गन्ना प्रजाति है जो कृषकों के मध्य में शरद काल में काफ़ी अब लोकप्रिय हो गई है। तो इसी पर चर्चा कर लेता हूँ कि कौन सी गन्ना प्रजाति है, कितनी दूरी पे बोया है, क्या क्या उर्वरक डाला है, और सबसे अच्छी बात है फरवरी से लेके और जुलाई तक यही जो कीट हैं, यही जो 3-4 महीने हैं, 4 महीने यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर यहाँ पे आपने कीटों का नियंत्रण कर लिया तो आप सफल हो गए गन्ने खेती में, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। तो इसमें आपके खेत में ऐसा कोई कीट और रोग भी नहीं दिख रहा है, तो ये बताइए हरदीप जी, ये कौन सी प्रजाति है? ये 14201 है जी। 14201 है, ये कब का बोया है? ये जी लास्ट अक्टूबर का बोया है। लास्ट अक्टूबर का बोया था जी सर। तो इसके पहले इस खेत में क्या था? इससे पहले धान की फसल थी जी। धान काटने के बाद आपने इसमें बोया जी। तो COL के 14201 जी, इसमें दूरी काफी है, कितनी दूरी है ये? ये जी 3.5 फीट के करीब होगी। अच्छा, टीलर तो काफी हो गए हैं जी। जी क्या अब आपको मिट्टी चढ़ाने की जरूरत है? जी सर, मिट्टी चढ़ा देंगे, हल्की मिट्टी इसमें, क्योंकि आप जो टीलर बनेंगे बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होंगे, और ये काफी टिलरिंग करने वाली गन्ना प्रजाति है। तो कितनी दूरी इसकी बताई थी? ये सर 3.5 से कुछ ज्यादा ही होगी। 3.5 से कुछ ज्यादा, ट्रैक्टर के टायर के हिसाब से सेट करते हैं रेजर। अच्छा, तो 42 इंच के आसपास होगी जी सर। 3.5 से करीब ही मान लीजिए, 3.5 ही मान लीजिए। 3.5 फीट की दूरी। और तो इसमें जो लाइन बनाई थी, सिंगल लाइन है ये? जी सर, सिंगल लाइन है, सीढ़ी नुमा बोया गया। सीढ़ी नुमा जी। अच्छा, ये सिंगल लाइन जब आप लोगों से बात करते हैं, कहते हैं इसको सिंगल लाइन और सीढ़ी नुमा बोया जाए तो काफी अच्छा है इसका रिस्पांस जी सर, देन पेड़ रो की अपेक्षा, अगर हम पेड़ रो की अपेक्षा तुलना करें उससे। सर फरवरी में तो पेड़ रो हम यूज करते हैं, इसे अक्टूबर में यही यूज करते हैं। अच्छा। इसे गहराई मिल जाती है काफी स्ट्रेंथ से, गहराई मिल जाती है गन्ना, उसके अपेक्षा में कम गिरता है इससे। और इसमें ये भी है, जब पेड़ रो यानी 18-42 इंच पे बोते हैं ना जी सर, तो वहाँ पे दो लाइनें नजदीक हो जाती है, क्योंकि ये फुटाव बहुत करती है जी सर, तो वहाँ जड़ों में आपस में कंपटीशन होता है, क्योंकि उतना स्पेस नहीं मिलता है, तो गन्ना पतला हो जाता है। 14201 में तो सर फरवरी में पेड़ रो में लगा सकते हैं, वहाँ पे उतनी टिलरिंग नहीं होगी, वो आपको पर्याप्त गन्ने मिल जाएंगे। लेकिन अगर शरद में इसको लगाना है जी सर, तो सिंगल लाइन जो ट्रेंच है चौड़ा वाला जी सर, और आप लोग कहते हैं सीढ़ी नुमा, जिसमें एक रनिंग मीटर में हम लगता है 8 से 10 टुकड़े रखते होंगे जी सर, 16 से 20 आंखें। सर इसका 14201 का 2 साल का एक्सपीरियंस है जी, तो इसमें तो यही है कि जितनी दूरी ज्यादा हो, जितनी ज्यादा दूरी हो। अब सोच रहे हैं अगले साल अगर इसे लगाया तो 4 से 4.5 फीट, लेकिन बहुत सारे कृषक बंधुओं ने ये भी किया है कि ये ज्यादा बढ़ती नहीं है, तो इसको नजदीक कर दो 2.25 से लेकर 2.5 फीट तक। नहीं सर, हमने करके देख लिया जी, जी। उसमें एवरेज नहीं आती, एवरेज नहीं आती, क्योंकि जब फुटाव बहुत ज्यादा होंगे दिखेंगे तो, लेकिन कटने के समय जब जाएंगे तो गन्ने वो जी सर स्वस्थ गन्ने नहीं रहते, उसमें बहुत पतले रह जाते हैं। तो इसमें जितनी दूरी रखेंगे, क्योंकि इसमें सर टेलरिंग बहुत ज्यादा है, टेलरिंग तो बहुत है, उसी के लिए दूरी इसकी जितनी ज्यादा हो तो उतनी अच्छी है, और इसमें पत्ती की संख्या बहुत है जी, पत्ती की संख्या बहुत है, वो तो आपने पिछली बार भी बताया था जी, तो इसी की वजह से दूरी ज्यादा हो तो हवा वगैरह अच्छी क्रॉस होती है। इसमें सह फसल भी कोई था जी? सर लाही की फसल थी जी। लाही की फसल, लाही हाथ से बोई थी या मशीन से? हाथ से बोई थी जी। अच्छा, तो लाही कितना हो गया एकड़ में? लाही तो सर इसमें ज्यादा नहीं निकली है, सिंगल लाइन लगी हुई थी हाथ से, तो मशीन वाली से अगर लगी होती तो कुछ ज्यादा निकलती, फिर भी तो हाथ से वही मान के चलिए लगभग 2.5 क्विंटल निकली है इसमें। हाँ, तो सिंगल लाइन में 2.5 क्विंटल निकल आई। और सरसों के बावजूद देखिए गन्ना अच्छा है, तो मिट्टी कब तक चढ़ा देंगे? मिट्टी सर अब जो अभी इसमें पानी लगा है, इसकी जुताई करके तुरंत मिट्टी चढ़ जाएगी जी। अच्छा, कीट वगैरह कोई नहीं है, कैसे नियंत्रण किया इसमें, क्या क्या डाला आपने, कीट नियंत्रण के बारे में ढंग से बताइए हमारे बहुत सारे कृषक बंधु। बुआई के समय हमने इसमें सर लिक्विड वाला फिप्रोनिल यूज किया था, लिक्विड फिप्रोनिल जी, और उसके साथ में थायमोक्सम यूज किया है। अच्छा, तो दोनों को बुआई के समय में कर दिया था, उसके बाद में जी अब इधर लाही कटने के बाद में इसमें पानी इस समय, चूंकि टॉप बोरर का जी जी अर्ली सूट बोरर का तो सदा शरदकालीन में बहुत ज्यादा प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि स्टेज वहां पे नहीं आती जी, लेकिन फरवरी से जो तितली ये आ जाती है टॉप बोरर की जी, और अब तक तो अब तक बताइए यहाँ पे आपने बिल्कुल इसमें कोई कीट नहीं सर, है। इसमें हमने कोई प्रोफेनोफॉस का और साइपर का यूज किया था। कब? तो लगभग सर 20 दिन पहले। 20 दिन पहले जी, 20 ना कोराजिन वाला फॉर्मूला है। अच्छा, क्रोएंटा नीलीप्रोल है भाई, तो अब इसका यूज कर दिया था, लगभग 60 दिन असर रहेगा उसका। 60 दिन रहेगा, 60 ही दिन हम मानना है, कंपनी तो 90 दिन बता रही है। तो अभी इसमें और कोराजिन यूज करने की जरूरत पड़ेगी?
सर अगर 60 दिन रहा तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे साथ, जुलाई वाली स्टेज तक तो बचाना पड़ेगा जी सर। उधर देखते हैं फिर, जो बंची टॉप वाली स्टेज है जी, फिर से सर इसी को रिपीट कर देंगे, कोराजिन से इससे डालना आराम रहता है। अच्छा जी, तो इजीली पड़ जाती है जी। अच्छा अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा गन्ना है ये, मिट्टी आप चढ़ा देंगे। इसका उत्पादन कितना ले लेंगे आप, पिछली बार तो अच्छा उत्पादन काटे थे एकड़ में जी सर। इसका सर पिछली बार से कुछ हल्का रह गया इस बार हमारा, अभी पिछली बार इससे अच्छा था। हाँ जी, अभी तो है, अभी समय तो है, अभी हल्का क्यों, अभी पूरे आपके हाथ में है। तो 450 सर है, ज्यादा तो नहीं, 450 एकड़ में जी, इतना तो सर ऑटम वाला निकलना ही चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए, इससे कम निकले तो फिर ऑटम लगाने का कोई फायदा नहीं। बारिश वारिश ठीक होगी तो 500 भी निकल जाएगा जी जी, बिल्कुल। बारिश में गन्ना काफी बढ़ता है जी, विगत वर्ष में थोड़ा बारिश ठीक नहीं रही थी जी सर, कभी जल्दी बारिश हो गई तो कभी समय पर नहीं हुई, इसलिए थोड़ा उत्पादन प्रभावित हुआ। तो चलिए भाई, देखिए अच्छा प्लाट है, अभी समय समय पे चर्चा करते रहेंगे आपसे। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू।